मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। थोड़ी सी ठंड के कारण खांसी जुकाम हो रखा है, बिकॉज़ यहाँ ठंड का पता नहीं लगता है। दोपहर को इतनी गर्मी लगती है और सुबह शाम इतनी ठंड होती है, क्या बताया मैं, क्या बताऊँ आपको। ठीक है, तो आज है मेन इवेंट, मेन शादी, डीजे की शादी। मतलब यार हमें आना, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, कल ना उसकी मेहंदी थी, ठीक है, और आई गॉट सो इमोशनल। मैं इतना रोई हूँ, इतना ज़्यादा रोई हूँ, ठीक है, बिकॉज मेरे इमोशंस, मेरा थोड़ा ना रोना कंट्रोल करना इज टफ फॉर मी, ठीक है। तो डीजे स्टेज पर बैठ के मुझे बोल रही कि पारुल चुप कर जा, मैं उतर के तुझे मारूंगी, ठीक है। तो मैं वो सब तो मैं क्यों ही रिकॉर्ड करूँ और क्या ही फ़ायदा उस चीज़ का, वो तो रियल इमोशंस होते हैं। तो आज है मेन इवेंट, जैसे तीन फंक्शंस है, तीन से चार फंक्शन, सारा कुछ आज ही है यार। तो बस हमें ऑर्डर्स आ गए हैं कि आप जल्दी से थोड़ा बहुत काम करके, लाइक साफ सफाई करके, झाड़ू पोछा करके जल्दी से रेडी हो जाओ शगुन के लिए। तो बस हम शगुन के लिए रेडी होते हैं और मिलते हैं आपसे रेडी होकर। और मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ आकांक्षा राणा से, जो कि झाड़ू लेके, झाड़ू बताइए अपना। तो ये अभी झाड़ू मास्टर बनी हुई है, तो आई थिंक ये नीचे झाड़ू लगाया है, ये अभी ऊपर झाड़ू लगाएगी। और मी बीइंग निकम्मी कुछ नहीं करूँगी मैं, है ना। और मैं आपको कालू से मिलती हूँ। हाय कालू, हेलो हेलो कालू, ये बहुत डेंजर है, इसकी शक्ल मत जाना, ये बहुत क्या है। तू आ जा, तू बोले गाइस। हाय गाइस, दीदी के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कमेंट ओके कर देना, या से और आज फंक्शन भी है, ठीक है। हाँ तो फिर बस आपसे मिलते हैं रेडी होकर। गाइस हम हो गए हैं शगुन के लिए रेडी और बस ब्रेकफास्ट भी हो गया डन। तो बस हम थोड़ी देर से निकल रहे हैं, तो मैं अभी आप लोगों को, मेरे कॉल्स कुछ ज़्यादा ही माउसेस लग रहे हैं, ठीक है, तो आप ज़रूर बताइए कि हम कैसे लग रहे हैं। और मैं बाकियों से भी मिलाती हूँ आप लोगों को, मैं आप लोगों को अपने सारे दोस्तों से मिलाती हूँ, उनकी सिनेमा उनकी। शगुन लेके, हमारी डीजे का शगुन लेके जा रहे हैं अब जीजू के घर, जीजू के घर। और ये लोग हमें बाय बाय कर रहे हैं, गाइस हम चले गए हैं डीजे का शगुन लेके। हाँ, डीजे का शगुन लेके चल गए हैं, आकांक्षा राणा को भी देख लो, ठीक है। तो फाइनली आज डीजे की असली वाली शादी है, हाँ, क्योंकि हमें तो अभी नकली वाली लग रही थी, बट अब थोड़ा थोड़ा जेन्युइनली लग रहा है कि असली में शादी होती है। चल चल अपनी मेहंदी बताओ, सारे मेहंदी बताओ, तुम इसको भी ले लो। और हमारे सबसे अच्छे आर्टिस्ट जो है वो सिमरन राठौर जी है, प्लीज इनसे कांटेक्ट करिए अगर आपको कोई भी मेहंदी मुहंदी लगानी हो तो। हाँ, और वो भाईचारे में लगाते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं मनीष जीजू के घर। देती हूँ सबसे, ये शगुन का थाल इज रेडी एंड भाई भी सारे रेडी हैं। वो हर्षित है, हर्षित पे ज़रा जूम किया जाए, चलो। और ये हमारा हर्षित तैयारी करता हुआ अंदर जाने की, चलो। और ये सब चल पड़े हैं सारे के सारे अंदर। आकांक्षा चलो साइड में हो, चलो।
और हम यहाँ पहुँच गए हैं जीजू के घर। आप देख सकते हो हमारी डीजे का होने वाला घर ऑलमोस्ट हो गया है। खातिरदारी हो रही है। थैंक यू दीदी, मैसेज लेना आप। अब तो मैं अपनी मिठाई, कांक्षा ने मेरे से अपनी मेरी मिठाई भी ले ली है। खुद मिठाई दी है, नहीं इसने मेरी मिठाई भी खा ली है। देखो बेशर्म कहीं की। और यहाँ पे ना मिठाई रखी है कांक्षा, तीसरी चौथी बार मिठाई के लिए बोल रही कि मुझे मिठाई खानी है। अब आप विश्वास कर लो कि मुझ पे विश्वास करना है कि इस पे विश्वास करना है। हाँ पतली कमरिया। जीजू हाय तो कर दो यहाँ पे, हेलो कर दो। अरे हेलो बोल दो। हाँ गाइस, तो हम आ गए हैं खाना खाने, अटैक करने। आई मीन छुटकी को बहुत भूख लगी है ना, बहुत ज़्यादा ना, सुबह से भूख है। तो बस हम अटैक करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें शगुन की मिठाई दी जा रही है, हम सब खाना खा के आ गए। तो चलो फिर इसके पास शायद हम चल जाएंगे वापस। हाय जीजू, अरे शर्माओ तो मत, मिस्टू इधर देखो, इन मामू को बोले बात कर ले। तो गाइस अब हम जा रहे हैं वापस डीजे के घर। अब यहाँ पर भी हल्दी का फंक्शन है और वहाँ पर भी हल्दी का फंक्शन है, तो वहाँ चल के हल्दी का फंक्शन अटेंड करते हैं। तो मेरे बाल बहुत गंदे लग रहे हैं और मम्मी एडजस्ट कर रही है। तो गाइस यहाँ पर डीजे को भूख लगना शुरू हो गया। अभी आपको डीजे की मम्मा से मिला रही हूँ। नमस्ते आंटी जी। आंटी का पूरा लुक दिखा रही हूँ मैं। आंटी ने पूरा ड्रॉगरी सूट पहना है, पूरी चंबियाली नथ, चंबियाली गहनों के साथ। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। डीजे
हल्दी हो चुकी है। एक्चुअली मुझे लगा कि वो हल्दी का कलर ना थोड़ा मतलब लाइक थोड़ा ग्रीन ग्रीन सा था, तो मुझे लगा कि कोई और रस्म है, बट वो एक्चुअल में बूटना ही था, बूटना हल्दी को ही बोलते हैं, माई बैड। ठीक है, तो अभी अभी ना वो तेल सांझ होती है वो होगी, तो बस डीजे से मैं आपको मिलाती जी। और ये हमारी डीजे रेडी हो गई है तेल के लिए, तेल सांझ के लिए। हमारी लड़की की मामी जी हो गई है तैयार साड़ी में, वाह जी वाह, चलो 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 चलो। तो यहाँ पे गुगलू को तेल डाला जा रहा है, उनके मामा मामी, और तेल की रस्म शुरू हो रही है अब। चलो देखना अपने आप को, ठीक है। और आप सुबह का तो देखते ही हो रही है, आप इवनिंग का भी व्यू देख लो, यहाँ से कितना सुंदर लग रहा है यार, लाइफ तो बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, बहुत ज्यादा। बस दुख लग रहा है कि कुछ टाइम में ये सारा ही वादियां छोड़ के वापस जाना पड़ेगा, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है वापस जाने का, करेगा भी कैसे, किसका मन करेगा यार इतनी प्यारी सी जगह को छोड़ के जाने का मन। हमारे ना कुछ क्लासमेट्स आ रहे हैं स्कूल टाइम के, काफी टाइम बाद इन लोगों से मित्रजन हमें हमारी मुलाकात होने जा रही है इन मित्रजनों से। तो ये आगे वाले जो चुट जी आ रहे हैं, इनका नाम है अविनाश सिंह ठाकुर, और पीछे वाले हैं केशव राणा जी, तो इनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हाँ जी बोलिए, स्वागत है आपका डीजे की शादी में। हाँ जी हाँ, ओ अच्छा 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 अच्छा, नहीं आपका स्वागत करते हैं हम, ऐसी बात नहीं, चाय तो आप पी रहे हो, साथ में कॉफी भी चाहिए होगी तो बन जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हाउ डेयर यू, मैंने बनानी भी नहीं है। नहीं नहीं, हम बहुत है बनाने वाले। ठीक है, तो आपको कोई भी चीज की कमी पेशी हो तो आप जरूर इन दोनों से कॉन्टेक्ट करें, ठीक है, हमने असिस्ट कर दिया आप लोगों को। गाइस आप पीछे का बैकग्राउंड को प्लीज इग्नोर करना। तो अभी हम जस्ट आ गए हैं तेल वगैरह सब करके, और फ्रेंड्स वगैरह से भी इंट्रोड्यूस कर लिया, तो जस्ट हम अब रेडी हो रहे हैं, और अभी तो क्या ही बताएं। हाँ इसको देख लो, इससे मिल लो पहले, मैं भी रेडी हो रही हूं। तो रेडी होके आपसे मिलते हैं। हम हो चुके हैं रेडी, और हमने पहनी है साड़ी, मतलब मैंने पहनी है साड़ी, और मैक्सिम ने साड़ी पहनी है, एक लड़की ने कोट तोड़ा है, और लेट मी इंट्रोड्यूस दैट गर्ल, दैट इज आकांक्षा राणा। और मैं आपको विश्वदी से भी मिलाती हूँ, विश्वदी आइए अपना लुक दिखाइए। ठीक है, मैं सबका लुक आपको धीरे धीरे रिवील कर दूंगी, ठीक है। और हमारे जो कुछ दोस्त हैं, हाँ जी हाँ जी, और हमें बुलाया जा रहा है, श्वेता बुलाई जा रही है, वो कह रही है कि उससे नीचे जाना है, तो उसकी फोटो क्लिक कर दे। और ये श्वेता है, हाय से, हेलो श्वेता, हाय गाइस, चलो ठीक है, ओके गाइस, आपको नीचे जाकर मिलते हैं, और डीजे से भी मिलता है, एक्साइटेड। लिए लड़की के भाइयों से समरवीर सिंह चंब्याल एंड हर्षित जरयाल, वो भी हमारा आकांक्षा राणा भाई है सबसे बड़ा, ठीक है, इन सबको आप देख सकते हो, सबको दिखाइए कि हम डीजे की बाहर आने का वेट कर रहे हैं, उसको देखने की एक्साइटमेंट इस टाइम मेरे में तो बड़ी ज्यादा, हम सब बात मेरे में तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है। आइए आजो सर, आजो सर, आजो सर, आजो अविनाश जी आप बताइए, डीजे की शादी हो रही है, आपको कैसा लग रहा है? हमें काफी अच्छा लग रहा है कि हमारे क्लास के पहले लड़की की शादी हो रही है। ओके, और हमारी दूसरी लड़की हो रही है, अब ना देख सकते हैं बस इसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कीजिए आप सारे के सारे, सभी कमेंट करें, जो जो इससे शादी करना चाहते हैं वो कमेंट कर दें। हम केशव जी से भी सेम ही सवाल पूछना चाहेंगे, आपको कैसा लग रहा है गुगलू की शादी हो रही है? जैसे कि अविनाश ने बोला,
हाँ मैं काफी समय से इन लोगों से मिलना चाहती थी। इनफैक्ट जो जितने भी फ्रेंड्स हैं हमारे क्लासमेट्स हैं वो नहीं आए हैं। आई मिस यू ऑल, मैं आप लोगों से मिलना चाहती थी। मुझे लगा इवेंट है तो सब आएंगे, बट हमारे कुछ प्रिय मित्र बहुत ही दूर से अपना समय निकाल के आए, हम इनका धन्यवाद करते हैं। डीजे हमारे लिए स्पेशल थी, स्पेशल है और रहेगी यार। ठीक है, क्या बात कर रही है, क्या बात कर रही है। अगर आप परमेश्वर वर्मा जी से और यहाँ जस मानक जी से अगर आप मिलना चाहते हैं और अगर हाँ जी हाँ जी तो और अगर आप इनके इनसाइट चाहते हैं तो मैं मेंशन कर दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में, जरूर चाहिए इनकी इनसाइट। ये खुद ही बता देते हैं, बताइए। नाज ठाकुर, हाँ जी, ओके। आप केशव 000 पर में जाके जरूर 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 सब्सक्राइब फॉलो करिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं डीजे की शादी में पहुंच गया हूं और अभी हमने भूख लगी है, अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, परंतु अब तक खाना बना ही क्योंकि बारात आई थी लेट। बिल्कुल, और देख सकते हैं आप अकल शराना, इसकी ये क्यूटनेस मेरी स्माइल, और पारुल जो वो भूख से तड़प रही है, आप देख सकते हैं। झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, हमने लुक तो बताया नहीं, कैमरे पे देख सकते हैं। अब ये वो करके दिखाएंगे आपको कैटवॉक, हेलो गाइस, ये है परमेश वर्मा और ये है जस मानक। देख सकते हैं आप, आकांक्षा राणा इस वक्त अपना हार श्रृंगार करने गई है, बस खुशी पल में यहाँ से निकलने वाली है और ये ब्यूटीफुल लेडी कम्स इन। गाइस, हम वेन्यू में पहुंच चुके हैं, तो अंदर चल के आराम से आपको वेन्यू दिखाते हैं। तो यहाँ से है स्टार्टिंग हमारे वेन्यू की। हाँ, धाम भी एक्चुअली इसी वेन्यू में हुई थी, बट ये रात को बहुत सुंदर लगता है। तो अभी यहाँ पे सारे फ़ोटोशूट करा रहे हैं अभी, बिकॉज बारात भी आने ही वाली है थोड़ी देर में। तो अभी यहाँ से हम नीचे चलते हैं।
तो गाइस अभी हम लोगों ने पारुल का फोन जो है वो हाईजैक कर लिया है। वेलकम बैक। ये देखिए मेरी तरह स्मार्ट बंदे ये दोनों। अब हम पारुल को दिखा दें। पारुल ज्यादा सुंदर नहीं लग रही है, हल्की हल्की सुंदर लग रही है। मेकअप का कमाल है जो भी है पारुल ने। अब देखो मैंने अविनाश और केशव को एक मस्त सी क्रीम दी, देखो कितनी चिट्टे लग गए। देख सकते आप, आंख लटाओ। मेकअप का कमाल, मेकअप तो यहाँ हो गया है जो मेरा। हम बताते हैं आपको। जीजू यहाँ खेल रहे थे लूडो और उन्हें बंद कर दिए। ठीक है, देखना कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। चलो यार, तंग नहीं करते ज़्यादा, ठीक है। और बस सब सारे बैठ के गपशप चल रही हैं।
आ चुकी है और अब हमारा भी जाने का टाइम आ गया है, तो हम अलविदा करते हैं आप लोगों को, बाय कर दीजिए। उम्मीद करते हैं हम जल्द ये तीनों एक फ्रेम में मिले, कभी ऐसा ना हो कि अब किसी की अगली शादी में ही मिले हैं। क्यों आकांक्षा, हम तो मिलते रहेंगे, तू बता अपना, है नी? बस कर जा। तो आप लोग पहले ऑलरेडी इनवाइटेड हो, ठीक है? आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया है तो ज़रूर इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, अब सी इन माई नेक्स्ट व्लॉग। आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू व्लॉग, बट सी इन माई नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।